वेलकम एवरीवन। सो मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्वांट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट हमने जितना अभी तक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कवर किया है, वो हमने जितने बेसिक कंसेप्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सॉल्वेंट्स का इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो सारी चीज़ें की थी। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो वुडवर्ड फिशर्स रूल है वो कॉन्जुगेटेड डाई इनोन्स कॉन्जुगेटेड डाई इन्स के लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी लैम्डा मैक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लैम्डा मैक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज और लास्ट वीडियो में हमने ये सारी जो रिंग रेजिड्यूज़, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से रिंग रेजिड्यूज़ काउंट करते हैं, किस तरीके से हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स की कितनी कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और उस केस में हम कैसे काउंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सो आज का जो वीडियो है वो हमारा होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स या जिन्हें हम इनोन्स भी बोलते हैं, उनके लिए हम वुडवर्ड फीचर्स रूल है वो कैसे अप्लाई करते हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं ज़्यादा एफर्ट लगा के नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे भी इस वीडियो तक लगभग 935 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग अगर एक एक का भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो भी बहुत जल्द हम 1000 पहुँच जाएंगे। बिना आपके कंट्रीब्यूशन के तो 1000 तो क्या, 100 भी पॉसिबल नहीं है, 10 भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये। तो जितना मैंने पिछले जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जो 5-6 वीडियोस बनाई है वहाँ पे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस, सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जो ये वुडवर्ड फिशर्स रूल है ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं हम लैम्डा मैक्स का। वुडवर्ड फिशर्स रूल के थ्रू हम एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं लैम्डा मैक्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये अपना कार्बोनाइल कंपाउंड्स है तो इसकी जो नेक्स्ट पोजिशन आएगी यहाँ पे, यदि ऐसा कोई ग्रुप हो, ऐसा कोई सिस्टम हो यहाँ से, तो उसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये जो नेक्स्ट पोजीशन है उसे हम अल्फा बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ये है। तो ये वाला जो है इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं इनोन्स। यदि खाली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो उसे हम खाली बोलते हैं इनोन्स बोलते हैं, ठीक है। आज मेरे ख्याल से शायद बैकग्राउंड जो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि पड़ोस में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसी कारण बैकग्राउंड नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है आपको। तो कोई बात नहीं, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा आप। सो ये अल्फा बीटा हो गया यहाँ पे अपना साइक, ये चीज़ इनोन्स कैसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे इस रूल में हमें सबसे पहले ये सारी वैल्यूज़ है वो याद रखनी होती है, ध्यान में रखना होता है। तो ये वाला जो पॉइंट टॉपिक है ना वो वैसे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बीएससी एमएससी के जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। यदि बाई चांस यदि आपका एग्ज़ाम्स के अंदर, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो आई होप कि यहाँ पे जो ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, एटलीस्ट जो ग्रुप्स के लिए हैं वो वैल्यूज़ हमें गिवन होती है, ये वैल्यूज़ तो हमें याद रखनी पड़ती है, जो पैरेंट वैल्यू हो वो बेस वैल्यू है वो, बट जो ये सब्स्टिट्यूट्स की जो ये वैल्यूज़ है वो सारी की सारी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर हो तो आप ये रिंग रेजिड्यूज़ और एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स
की याद रख सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा, और यदि आप एक और याद रखना चाहें तो OH ग्रुप की वैल्यू याद रख सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो बेसिकली ये सारी वैल्यूज़ है जो यहाँ पे है, जो पर्टिकुलरली जहाँ पे जिस पोजिशन पे ग्रुप होगा उसके लिए जो इंक्रीमेंट है वो गिवन होना चाहिए। अगर गिवन नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, इतने सारी वैल्यूज़ को हम याद भी तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वैल्यूज़ पैरेंट वैल्यूज़ है, जो एसाइक्लिक कीटोन के लिए जो ये पैरेंट वैल्यू होगी, एसाइक्लिक कीटोन मतलब साइक्लिक रिंग नहीं है, नॉर्मल सीधा स्ट्रेट चेन है वो, या फिर 6 मेंबर यदि कीटोन आता है रिंग, यदि रिंग क्या हो, 6 मेंबर रिंग हो तो उसके लिए ये दोनों वैल्यूज़ है वो सेम रहेगी, और वहाँ पे यदि 5 मेंबर रिंग आ जाए तो ये वैल्यू है वो आपकी 202 नैनोमीटर रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये हमें पता ना 5 मेंबर रिंग है वो एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ से जो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रिंग की, तो वहाँ पे उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो कम हो जाती है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा, जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, और जहाँ पर ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यदि एल्डिहाइड आ जाता है अपना, तो एल्डिहाइड के लिए 207 नैनोमीटर, और एसिड या एस्टर हो तो ये हमें पेरेंट बेस वैल्यू लेनी है जो हमें स्टार्टिंग से लेनी है, जिसके बाद हम जो आगे है जो इंक्रीमेंट करेंगे वो इंक्रीमेंट, ये हमने पीछे से हमने देखा है कि लास्ट जो हमने डाई इंस के लिए किया था वहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 का इंक्रीमेंट होगा, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन आ रहा है तो 30 नैनोमीटर का इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है वो है कि यदि होमो एनुलर यदि कॉन्जुगेटेड डाई इन यदि प्रेजेंट हो उस क्रोमोफोर के अंदर, तब वहाँ पे 39 नैनोमीटर का आपको, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ये हम मिस कर जाते हैं यहाँ पे होमो एनुलर डाई इन के लिए जो +39 का है जो एक्स्ट्रा एडिशन करना होता है वो चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे जो रिंग रेजिड्यूज है, जो एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, हमें पता है कि यदि हम ये पोजीशन यदि बनाते हैं ना, ये वाली चीज़ें, तो ये वाली पोजीशन अल्फा बीटा गामा और डेल्टा पोजीशंस कहलाती हैं। हाँ, कंडीशंस क्या है, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आ रहा है ना, अल्फा बीटा या गामा जो डेल्टा जो भी पोजीशन आएगी, एटलीस्ट वो सबसे पहले उस क्रोमोफोर का पार्ट होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है कि नहीं है, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं और फिर भी हम यहाँ पे आकर डेल्टा पोजीशन काउंट कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये जो पोजीशन है वो क्रोमोफोर का पार्ट होना चाहिए, तो क्रोमोफोर का पार्ट हो और फिर वो क्या हो, इन पोजीशन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन में जहाँ भी लगा हो उसके अकॉर्डिंग हमें इंक्रीमेंट चाहिए। तो ये हम आसानी से याद रख सकते हैं कि 10 12 18 18 जो है ये आपको याद रखना चाहिए, आप मोबाइल नंबर के थ्रू कोई भी नंबर बना के याद रखो या फिर किसी भी तरीके से आप याद रखो कि एटलीस्ट ये वैल्यू तो हमें याद होनी ही चाहिए कि जो इंक्रीमेंट है रिंग रेजिड्यू और एल्काइल सब्स्टिट्यूट का, चाहे रिंग रेजिड्यू हो या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो कितना हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी, यहाँ से ये जो डैश लगाए उनकी वैल्यू अननोन है, हमें पता नहीं है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे सकते, बट जो OH है उनके लिए जो बाकी ये वैल्यू जितनी एक्सपेरिमेंटली नोन है वो सारी वैल्यूज है वो देखिए जो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है, ओके। सो ये है, तो ये सब कुछ अपना वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो अभी हम इन पे 3-5 एग्जांपल्स करते हैं, तो फिर जैसे किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम जैसे हम सिंपल है तो सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा एसाइक्लिक यदि अपना कोई कंपाउंड यदि प्रेजेंट हो, एसाइक्लिक कीटोन यदि प्रेजेंट हो, तो जैसे ये बना लिया हमने, तो ये
सबसे पहले हमें क्या देखनी है, बेस वैल्यू देखनी है कि बेस वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे। तो बेस वैल्यू ये एक एसाइक्लिक कीटोन है, तो एसाइक्लिक कीटोन है तो एसाइक्लिक कीटोन के लिए यहाँ से जो अपनी बेस वैल्यू वो कितनी आ रही है 215 नैनोमीटर। ये सारी वैल्यूज है वो नैनोमीटर में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब इंक्रीमेंट कितना करना है, ये पोजिशन एल्फा आएगी, ये बीटा आएगी। तो ये बीटा पोजीशन पे यहाँ पे टू एल्काइल्स ग्रुप लगे हैं, टू एल्काइल ग्रुप्स है बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ से देखो ये एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, तो अल्फा और बीटा, और बीटा के लिए इंक्रीमेंट कितना लगाया हुआ है 12। तो टू एल्काइल सब्स्टिट्यूट एट बीटा पोजीशन पे है, तो बीटा पोजीशन पे जो एल्काइल सब्स्टिट्यूट है इसके लिए अपना क्या चीज़ आएगी, 12 का इंक्रीमेंट करना है। एक के लिए 12 का, तो दो के लिए कितना हो जाएगा 24 का। तो ये अपना जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 239 नैनोमीटर है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है वो मिलेगी। तो ये एक सिंपल सा है जो यहाँ पे हमने एसाइक्लिक कीटोन के लिए किया है। अब हम साइक्लिक कीटोन बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइक्लिक कीटोन का अगर एग्जाम्पल लेकर चले, तो ये ठीक है, तो ये अपना हो गया ये साइकिल। सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू क्या आएगी, ये सिक्स मेंबर रिंग है, तो क्या है सिक्स मेंबर साइक्लिक कीटोन है, ये कीटोन है, ये सिक्स मेंबर है ना, यहाँ से ये वाला सिक्स मेंबर कीटोन है। तो सिक्स मेंबर है, तो सिक्स मेंबर के लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी लेके चलनी है हमें, 215 नैनोमीटर यूज करनी है। फिर इसके बाद हमें काउंट करने हैं एल्काइल, ये क्रोमोफोर कितना है, यहाँ से क्रोमोफोर ये है ठीक है, ये वाला इतना क्रोमोफोर है। हमें अल्फा बीटा की तरफ जाना है, तो हमें इसके इधर साइड से कोई मतलब नहीं है, चाहे इधर अपना कोई रिंग रेजिड्यू या फिर जो एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, हमें जाना है किस तरफ, अल्फा बीटा की तरफ। तो अल्फा बीटा अपना इस साइड आ रहा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो एल्काइल ग्रुप तो नहीं है बट रिंग रेजिड्यूज है, यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू ये हो गया और एक रिंग रेजिड्यू ये हो गया, जहाँ से इस क्रोमोफोर को हम यहाँ से हटा दें, रिंग से हटा दें, अलग कर लें, तो वो अपना पार्ट कहलाता है रिंग रेजिड्यू ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें इंक्रीमेंट करनी है, देखो क्या क्या चीज़ें इंक्रीमेंट होगी। ये रिंग रेजिड्यू है बीटा पोजीशन पे है, तो हमारे पास एक बीटा रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा रिंग रेजिड्यू के लिए जो इंक्रीमेंट है वो 12 का है। और ये डेल्टा पोजीशन के ऊपर रिंग रेजिड्यू है, तो डेल्टा रिंग रेजिड्यू के लिए कितना इंक्रीमेंट आएगा, 18 आएगा ठीक है। चलो फिर अल्फा बीटा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है यहाँ से, तो वन डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेट एक्सटेंड कर रहा है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितना दे रहा है हमें, वन है, तो वन के लिए हम कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 30 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये अपना टोटल कितना हो गया, तो और कुछ इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, ये जो अपना जो टोटल कितना हो गया काउंट कर लेते हम, ये 30 60 और ये 275 नैनोमीटर का, ये इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो ये रहेगी ठीक है ओके। सो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें है वो अप्लाई करनी है। फिर हम एक और देख के चलते हैं इसी टाइप से, कि जहाँ पे एक डबल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए, एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो, सो ये है। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले इसके लिए बेस वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो बेस वैल्यू है वो ये सिक्स मेंबर्ड है, तो ये इसके लिए बेस वैल्यू होगी। फिर अब जब हम यहाँ से इसको काउंट करते हैं, तो ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, बट यहाँ पे ये जो वाला डबल बॉन्ड है वो इसके कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, तो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा
तो ये हमारे पास सिर्फ इतनी ही पोजीशन रहेगी अल्फा और बीटा। अब बीटा तो रिंग रेजिड्यू, इसका एक यहाँ पे ये रिंग रेजिड्यू होगा और बीटा अल्फा पोजीशन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप है, तो अल्फा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो अल्फा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट आएगा। और फिर बीटा रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा रिंग रेजिड्यू है तो बीटा रिंग रेजिड्यू के लिए यहाँ पे 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट आएगा। ये आपका टोटल कितना हो जाता है यहाँ से, तो 37 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना इतना हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखने में थोड़ा सा बड़ा, सिंपल सा बड़ा दिख रहा है, बट हमें सिर्फ फोकस करना है क्रोमोफोर के ऊपर, हमें बड़े से मतलब नहीं है। तो क्रोमोफोर अपना इतना है, क्रोमोफोर के लिए 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग है तो बेस वैल्यू कितनी रहेगी, 250 नैनोमीटर, 6 मेंबर्ड है। तो अब यहाँ से हम काउंट करते हैं, इसकी एल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो खाली काउंट करते हैं हम, ये अल्फा और बीटा, तो बीटा पोजीशन के ऊपर यहाँ से 2 रिंग रेजिड्यू है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बीटा रिंग रेजिड्यू, सो 2 बीटा रिंग रेजिड्यू जो आएंगे, तो पर बीटा रिंग रेजिड्यू के लिए यहाँ पे 12 का इंक्रीमेंट है, तो 2 के लिए कितना इंक्रीमेंट रहेगा, 24। तो ये अपना टोटल कितना हो गया, 239 नैनोमीटर का। सो ये दिखने में बड़ा, बट हमें मेन फोकस कहाँ पे करना है, सिर्फ अपने क्रोमोफोर के ऊपर फोकस करना है। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जहाँ पे होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन यदि प्रेजेंट हो, तो एक हम ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हम एक होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये अपने लिए एक होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन रहेगी। तो पेरेंट अपना क्या है, ये साइक्लिक कीटोन है और वो भी 6 मेंबर्ड है, तो जो पेरेंट वैल्यू है वो बेस वैल्यू कितनी रहेगी, बेस वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 250 नैनोमीटर बेस वैल्यू रहेगी। फिर हम काउंट करते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, क्यों क्रोमोफोर पूरा ये बन जाए ना, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है, जहाँ तक कॉन्जुगेशन रहेगा वहाँ तक अपना क्रोमोफोर रहेगा। तो रिंग रेजिड्यू कहाँ पे आएंगे, एक ये रिंग रेजिड्यू है और ये एक ये रिंग रेजिड्यू है, तो अल्फा रिंग रेजिड्यू है, तो अल्फा रिंग रेजिड्यू के लिए हम क्या लगाएंगे, 10 का इंक्रीमेंट। फिर डेल्टा पोजिशन पर रिंग रेजिड्यू है तो कितना इंक्रीमेंट लगाएंगे डेल्टा के लिए, 18 का। अब देखते हैं दूसरा, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक है, तो एक्सोसाइक्लिक है तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो कितना इंक्रीमेंट आएगा, 5 का। फिर देखो कॉन्जुगेशन में कितने डबल बॉन्ड आ गए, 1 2 3, एक एक्सटेंडिंग है तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हमें कितना इंक्रीमेंट चाहिए, पर के लिए 30 चाहिए तो अपने पास 1 ही है तो 30 लगा दिया। अब इसके बाद ये होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ये वाला जो है ना, ये वाला कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है, तो होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 39 का। तो टोटल यहां से कितना रहेगा, तो टोटल यहां से अपना बनेगा ये 20, 30, ये लास्ट साइज बनेगा 370 नैनोमीटर का, ये टोटल बनेगा अपना यहाँ पे। सो ये भी एक एग्जांपल हो गया कि होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड। तो अभी तक हमने सारे के सारे 6 मेंबर किए हैं, तो एक एग्जांपल हम 5 मेंबर वाला भी लिख लेते हैं। सो 5 मेंबर रिंग के लिए एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, तो ये 5 मेंबर रिंग यदि हम यहाँ से बनाते हैं, सो ये एक 5 मेंबर रिंग, और जो अपना कीटोन होगा वो 5 मेंबर रिंग पे होगा,
तो यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ओके यहाँ से, ठीक है। सो ये हमने बना लिया इतना। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, क्रोमोफोर अपना इतना है ये, ठीक है, और कीटोन है वो 5 मेंबर्ड है, तो बेस वैल्यू कितनी रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी 202 नैनोमीटर की, ठीक है, ये बेस वैल्यू रहेगी क्योंकि ये 5 मेंबर्ड है, तो 5 मेंबर्ड के लिए बेस वैल्यू ये है। अब यहाँ पे देख, इधर अब अपना क्रोमोफोर तो इधर है, ये तो नहीं है, तो ये हमारे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो, ये अपने लिए सिर्फ इतना ही काम कर रहा है कि ये कीटोन और एल्डिहाइड है, कीटोन दे रहा है तो 202 ले लिया हमने, यदि एल्डिहाइड होता 207, बस इतना ही इसका काम है और हमारे लिए इसके कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम देखते हैं अब रिंग रेजिड्यूज काउंट करते हैं कि आगे क्रोमोफोर के साथ सब्स्टिट्यूट तो नहीं है अल्काइल, तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो एक रिंग रेजिड्यू यहाँ पे बन रहा है और एक रिंग रेजिड्यू यहाँ पे बन रहा है, तो बीटा रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा रिंग रेजिड्यू के लिए यहाँ से वैल्यू कितनी है, 12 नैनोमीटर की है, और डेल्टा रिंग रेजिड्यू के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 नैनोमीटर है, ठीक है। अच्छा फिर देखो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला, तो वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए इंक्रीमेंट कितना आएगा, 5 का। और फिर होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाई इन ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के होते, पार्ट होते, तब तो ये होमो एनुलर बनता, तो वो नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, तो वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, सो वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, तो उसके लिए इंक्रीमेंट कितना है, 30 का है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी बन जाएगी, ये 267 इतनी बनेगी ना शायद, हाँ इतनी ही बनेगी, ये 267 है वो लैम्डा मैक्स की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट बनाते हैं ये वाला ऐसे, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना ये बनता है, हमने ये बना लिया, यहाँ से OH ग्रुप लगा लिया, यहाँ पे OH ग्रुप लगा लिया। अब इसका हम लैम्डा मैक्स है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के लिए जो ट्रांजिशंस होती है वो थोड़ा अलग होगी, तो यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ये एक एसाइल बेंजीन की तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाले जो रूल्स है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, इस रिंग के लिए ये वाले रूल्स है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे। तो यहाँ पे इन सभी के लिए ये एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के अलग से टाइप आएगा, यहाँ पे एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे, जो बेंजीन के लिए जो डेरिवेटिव्स होंगे, यहाँ पे एसाइल बेंजीन डेरिवेटिव्स जो होंगे उसके लिए जो वुडवर्ड फिशर रूल है वो अलग है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हम यही डिस्कस करेंगे कि इन कंपाउंड्स का जो लैम्डा मैक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फिशर रूल है वो कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है।